हेलो बेटा वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का एक स्मॉल चैप्टर है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट ट्वेल्थ क्लास में बेटा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट से कई बार बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड पेपर में वन टू मार्क में क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा उसके लिए हमें थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी करना पड़ेगा तो बेटा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ थर्मल इफेक्ट ऑफ़ करंट। इट मींस करंट जब सर्किट में फ्लो करेगा तो करंट सर्किट के अंदर थर्मल एनर्जी बनाएगा शन ऑफ थर्मल एनर्जी विल ब्रिंग थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट तो जब करेंट की वजह से सर्किट में थर्मल एनर्जी बनेगी इट मीनस दिस इज एविडेंस ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो बेटा अब अगर हमारे पास एक सिंपल क्लोज सर्किट है एक कंडक्टिंग वायर है उसको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस सिंपल सेल हैविंग टू इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैविंग टू इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो बेटा अब इस कंडक्टिंग सेल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्टअप करेगी तो इस सेल की वजह से इस कंडक्टिंग वायर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन आपके ड्रिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ये अगर कंडक्टिंग वायर है ए बी नाउ ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट होंगे जब इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सटर्नल सेल से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करेंगे और ये ड्रिफ्ट होंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तो बेटा उस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स नेबरहुड वाले पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे अगर इनका कॉलेजन होगा तो कॉलेजन में इनकी एनर्जी लॉस होगी और बेटा अगर कॉलेजन में एनर्जी लॉस होगा तो इनको दोबारा से एनर्जी कहाँ से मिलेगी इनको दोबारा से एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मिलेगी इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे बार बार काम कौन करेगा इलेक्ट्रॉन्स पे बार बार वर्क कौन कर रहा है दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स पे बार बार वर्क करेगी बार बार काम करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स कॉलेजन में एनर्जी लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कॉलेजन में एनर्जी लॉस करेंगे और फिर इनको दोबारा से एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स वर्क हैज बिन डन ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा जो वर्क डन किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वर्क डन आपका कॉलेजन में लॉस हो जाएगा फिर दोबारा से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क करेगी फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा फिर दोबारा से वो एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी और वो एनर्जी बेटा कॉलिजन की वजह से किस फॉर्म में अपियर होगी वो एनर्जी कॉलिजन की वजह से हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी इट मीन्स जो वर्क डन किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो वर्क डन आपका वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन ने कॉलेज में वेस्ट कर दी कॉलेज में लूज कर दी अब बेटा वो जो एनर्जी लूज हुई है वो जो वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कॉलेज में जो वेस्ट हुआ है तो बेटा वो जो कॉलेज में एनर्जी आपकी वेस्ट हुई है वो एनर्जी आपकी कंडक्टिंग वायर में हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी वो एनर्जी आपकी कंडक्टिंग वायर में थर्मल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी इट मींस जितनी बार भी कॉलेजन होगा उतनी बार जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो वर्क डन आपका कॉलेजन में थर्मल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा वो वर्क डन आपका हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा तो बेटा अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू तो थर्मल एनर्जी इन कंडक्टिंग वायर और वी कैन से दैट हीट एनर्जी इन कंडक्टिंग वायर तो हम क्या लिखेंगे वर्क डन By external electric field is equal to thermal energy or heat energy in conducting wire. तो बेटा डन का फार्मूला आपको मालूम है डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज का फार्मूला बेटा करेंट इन टू टाइम वर्क डन इज इक्वल टू हीट एनर्जी इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू आई इंटू आर इं टू आई टू टी नाव हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी ना दिस इज आवर मेन इक्वेशन ऑफ हीट एनर्जी नाव हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर वे से ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर वे से लर्न करना है कि हीट एनर्जी आपकी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है हीट एनर्जी आपकी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है तो अब हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आर प्रोपोर्शनल टू टाइम अब बेटा इस हीट एनर्जी के हमारे पास कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हीट एनर्जी के बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब दैट हीट एनर्जी कॉन्सेप्ट दैट हीट एनर्जी कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड बाय जूल सो नेम इज गिवन जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो बेटा ये जो हीट एनर्जी आपकी डेवलप होगी कंडक्टिंग वायर में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किसने किया था जूल ने इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किसने किया था जूल ने तो बेटा उसी के से कॉन्सेप्ट का नेम पड़ गया जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेटा इक्वेशन क्या आएगी हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई आर टी तो बेटा नंबर वन इसका बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉमन इज कॉमन फॉर ए सी एंड डी सी तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट हो या डायरेक्ट करंट हो दोनों में हीट एनर्जी आपकी डेवलप होगी तो जूल हीटिंग इफेक्ट आपका दोनों के लिए कॉमन है नंबर टू बेटा इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो अगर इसके अंदर हीट एनर्जी बनेगी तो बेटा अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो इसके अंदर दोबारा से हीट एनर्जी बनेगी इसका मीनिंग ये है कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से हीट एनर्जी आपकी यहाँ से डिसपेयर नहीं होगी तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूँगा तो यहाँ पर कूल एनर्जी नहीं आएगी यहाँ पर हीट एनर्जी फिर दोबारा से बनेगी इसका मीनिंग हीट एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट में रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट में डिसअपीयर नहीं होगी वो दोबारा से फिर आएगी इसका मीनिंग करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से हीट एनर्जी आपकी हीट एनर्जी आपकी डिसअपियर नहीं होगी इट मीन्स दैट प्रोसेस एज नॉन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस तो हमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने से इनिशियल कंडीशंस नहीं मिलेंगी हमें फिर दोबारा से हीट एनर्जी ही मिलेगी इसका मीनिंग करंट फ्लो करने से पहले इसके अंदर टेम्परेचर कौन सा था वायर के अंदर टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर था जो आपका एटमोस्फेरिक टेम्परेचर होगा वही वायर का टेम्परेचर होगा बिफोर फ्लो ऑफ करंट तो बेटा अगर करंट आपका फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर हीट एनर्जी आएगी टेम्परेचर राइज होगा तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं करंट की डायरेक्शन में रिवर्स कर दूं तो बेटा हमें वही रूम टेम्परेचर दोबारा से नहीं मिलेगा इट मीन्स करंट की डायरेक्शन चेंज करने से प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल नहीं हो रहा हमें फिर दोबारा से इसके अंदर हीट एनर्जी ही मिल रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये प्रोसेस आपका ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो बेटा अब ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लो ये प्रोसेस आपका एक तो ए और डी दोनों के लिए कॉमन है और ये प्रोसेस आपका ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है और नंबर थ्री नंबर थ्री पॉइंट क्या आएगा बेटा इसके अंदर नंबर थ्री पॉइंट ये आएगा कि कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो आपके एसी पे काम करते हैं कुछ आपके डीसी पे काम करते हैं तो बेटा उन दोनों डिवाइसेस में अगर करंट आपका अल्टरनेटिंग आ रहा है या डायरेक्ट करंट आ रहा है तो उन दोनों में हीट एनर्जी आपकी बनेगी तो बेटा इसका मीनिंग ये एसी और डीसी दोनों के लिए कॉमन है ये दोनों के लिए कॉमन है नाउ पॉइंट नंबर थ्री Now, point number three. Point number three, better. We know h equal to i square rt. In the same way, we can write h equal to v square upon r into t. As we know that power equal to v into i.

वहाँ पर पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होगी वहाँ पर पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होगी तो बेटा वेन एवर वी हैव मोर हीट एनर्जी इन एनी रजिस्टर इट मीन्स देर इज़ मोर कंजप्शन ऑफ देयर इज मोर कंजप्शन ऑफ़ पावर अक्रॉस दैट रजिस्टर अक्रॉस दैट एलिमेंट अक्रॉस दैट डिवाइस तो जिस डिवाइस में पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी उस डिवाइस के अंदर बेटा हीट एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी उस डिवाइस के अंदर हीट एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी तो बेटा अब हमें ये चेक करना है कि हीट एनर्जी का रिलेशन रजिस्टेंस के साथ कैसा है हीट एनर्जी का रिलेशन रजिस्टेंस के साथ कैसा है हीट एनर्जी का रिलेशन करंट के साथ कैसा है तो अब बेटा नंबर फोर पॉइंट है मेरे पास अगर मेरे पास मल्टीपल रजिस्टर्स हैं और ये सारे बेटा सीरीज में कनेक्ट हैं तो अगर यहां पर इस टाइप से सोर्स ऑफ वोल्टेज हमें गिवन है तो बेटा इन तीनों में करंट की वैल्यू सेम जाएगी इन तीनों में करंट की वैल्यू बेटा सेम जाएगी अब चेक करना है कि इन तीनों में से किस में सबसे ज्यादा हीट एनर्जी बनेगी इन तीनों में सबसे ज्यादा किस में सबसे ज्यादा किस में हीट एनर्जी बनेगी तो चेक करो इन तीनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या है दैट इज करंट करंट अगर कॉमन है तो अब हमें ये आइडिया मिल चुका है करंट अगर कॉमन है तो पावर का फार्मूला क्या होगा पावर इज इक्वल टू आई स्केयर इन टू आर करंट कॉमन है नाउ पावर प्रोपोर्शनल टू आर पावर प्रपोशनल टू आर तो बेटा अब ये आपने यहां मालूम कर लिया पावर प्रपोर्शनल टू आर और आई कॉन्स्टेंट है आई कॉन्सटेंट है नाओ अगर आप यहां चेक करो तो यहां जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी आई इन टू आर वन और जो यहां बनेगा डिफरेंस इन पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या बनेगी I इंटू आर टू और जो यहां बनेगा डिफरेंस इन पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या बनेगी I इंटू आर थ्री तो बेटा आप चेक करो कि हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पावर एंड पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस Now, अब चेक करते हैं बेटा कि V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आपको मालूम है तो अब यहाँ चेक करो I वाला वेरिएबल I सॉरी I करंट हमारा कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट हमारा कांस्टेंट है नाउ V प्रोपोर्शनल टू R नाउ V प्रोपोर्शनल टू R इट मीन्स हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पावर पावर प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तो बेटा जिस एलिमेंट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा जिस एलिमेंट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उस एलिमेंट के अंदर उस अप्लायंस के अंदर उस डिवाइस के अंदर सबसे ज़्यादा पावर आपकी डेवलप होगी सबसे ज़्यादा उसके अंदर हीट एनर्जी बनेगी तो बेटा अब इन तीनों में से जिस रजिस्टर में रजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी उस रजिस्टर के अंदर पावर ज्यादा कंज्यूम होगी उस रजिस्टर के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा बनेगी और उस रजिस्टर के अंदर आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा बनेगा तो बेटा अब आपको ये यहाँ से कंप्लीट एविडेंस मिल रहा है कि अगर आर थ्री मोर देन आर टू मोर देन आर वन है तो नंबर थ्री रजिस्टर के अंदर हीट एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा बनेगी इट मीन्स पी थ्री मोर देन पी टू मोर देन पी वन इट मीन्स एच थ्री मोर देन एच टू मोर देन एच वन मोर देन एच वन इट मीन्स वी थ्री मोर तो कॉन्सेप्ट आपको नोट करना है इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या मिला इस कॉन्सेप्ट में आपको ये मिला कि पावर और हीट एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कैसे रिलेट करेगी रजिस्टेंस के साथ कैसे रिलेट करेगी इट मींस वी हैव टेकन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी कॉन्स्टेंट नाउ पोटेंशियल will be variable if resistors are having different different value of resistances. तो बेटा अब next concept है parallel combination का next number फाइव point है next number फाइव point है बेटा parallel combination का देखते हैं parallel में क्या होगा अब देखते हैं बेटा parallel में क्या होगा check करते हैं parallel में क्या होगा in case of parallel पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास यही सेम रजिस्टर्स हैं आर वन आर टू आर थ्री अक्रॉस सोर्स ऑफ वोल्टेज वी अब बेटा यहां पर रजिस्टर्स की वैल्यू रजिस्टेंसेज की वैल्यू अगर अलग अलग है तो करंट की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी अब पैरेलल में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए कॉमन हो जाएगा तो वी आपका कांस्टेंट हो जाएगा वी आपका कांस्टेंट हो जाएगा करंट डिफरेंट होगा वी कांस्टेंट हो जाएगा तो अब यहाँ पावर का फार्मूला क्या लगेगा दूसरे से कंपेयर करेंगे. करेंगे तो लगेगा वी स्केयर अपॉन आर जैसे हमने सीरीज में अलग अलग रजिस्टर्स की पावर को कंपेयर किया था हमने वहां क्या लगाया था आई तो हम पैरल में क्या

विद रेजिस्टेंस कैसा आ रहा है बेटा इनवर्सली आ रहा है पावर का रेजिस्टेंस विद रेजिस्टेंस सॉरी पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट नहीं आ रहा पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली आ रहा है तो अब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तो अब चेक करते हैं कि हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पावर पावर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर पावर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर तो बेटा अब चेक करो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई एंड टू आर तो अगर वी आपका कांस्टेंट है तो अब चेक करो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तो अब यहां पर आपको एक फैक्टर और इंक्रीज करना पड़ेगा दैट इज करंट हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पावर पावर प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर तो बेटा ये रिलेशन मिला हमें पैरल कॉम्बिनेशन में तो बेटा आप चेक करके बताओ कि इन तीनों में से किस रजिस्टर के अंदर इन तीनों में से किस रजिस्टर के अंदर आपको मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम हीट एनर्जी मिलेगी तो आप यहां चेक करो जिस रजिस्टर में करंट आपका मैक्सिमम आएगा जिस रजिस्टर में करंट आपका मैक्सिमम आएगा उस रजिस्टर में पावर भी मैक्सिमम डेवलप होगी और उसी रजिस्टर में हीट एनर्जी भी आपकी मैक्सिमम डेवलप होगी तो आपको ये चेक करना है कि हीट एनर्जी आपकी पैरल कॉम्बिनेशन में उस रजिस्टर में डेवलप होगी मैक्सिमम जिसमें रजिस्टेंस मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा तो बेटा पैरेलल का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इन तीनों में से जिस रजिस्टर के अंदर करंट मैक्सिमम जाएगा उस रजिस्टर में हीट एनर्जी आपकी मैक्सिमम बनेगी और उसी रजिस्टर में पावर भी सबसे ज्यादा कंज्यूम होगी पावर भी सबसे ज्यादा कंज्यूम होगी तो बेटा ये था पॉइंट नंबर फाइव अब चेक करते हैं पॉइंट नंबर सिक्स क्या कह रहा है पॉइंट नंबर ऑफ जूल हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ऑफ जूल हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर सिक्स तो बेटा अगर मेरे पास आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं सीरीज में और टोटल मेरे पास कितने रजिस्टर्स हैं सीरीज में एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टेंसेज इन सीरीज तो बेटा मेरे पास कैपिटल आर वैल्यू के एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में हैं। तो बेटा इनका नेट रजिस्टेंस कितना आएगा नेट रजिस्टेंस इज इक्वल टू एन आर तो बेटा अगर मैं इन्हीं आइडेंटिकल रजिस्टर्स को अगर मैं इन्हीं आइडेंटिकल रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाऊंगा तो बेटा पैरेलल में अभी तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो अगर मैं इन्हीं को लगाऊंगा पैरेलल में इस टाइप से मैं इनको लगाऊंगा पैरेलल में आर 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 टू एन तो बेटा पैरेलल में इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा नेट रेजिस्टेंस इज़ कैपिटल आर बाय तो बेटा आर पी का मीनिंग नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और बेटा आर एस का मीनिंग नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो बेटा अब हमें क्या निकालना है हमें ये चेक करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर डेवलप होगी उनकी रेशियो क्या आएगी उनकी रेशियो क्या आएगी तो अभी चेक करते हैं क्या रेशियो आएगी तो बेटा अभी चेक कर लेते हैं क्या रेशियो आएगी तो अभी चेक कर लेते हैं क्या रेशियो आएगी नाउ पावर इन पैरल कॉम्बिनेशन अपॉन पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो बेटा पैरल कॉम्बिनेशन में आपकी नेट पावर क्या बनेगी वी स्केयर अपॉन नेट रेजिस्टेंस r अपॉन n सीरीज में वी स्केयर अपॉन एन आर तो बेटा चेक करो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो वोल्टेज सोर्स यहाँ लगाया है उसकी वैल्यू हमने वी ही रखी है और यहाँ भी जो हमने वोल्टेज सोर्स यहाँ लगाया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो बेटा हमने उसकी वैल्यू भी वी ही रखी है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने नेट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है तो सीरीज में भी वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल और वही सेम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने पैरेलल में लगाया है तो बेटा अब V कॉमन है तो V आपका कैंसिल हो जाएगा अगर V कैंसिल होगा तो बेटा चेक करो ऊपर क्या बचेगा ऊपर n अपॉन आर है और नीचे वन अपॉन एन आर है बेटा चेक करो नीचे वन अपॉन एन आर है तो बेटा पावर इन पैरेलल अपॉन पावर इन सीरीज इज इक्वल टू एन आर इन एन अपॉन आर इन एन आर अपॉन वन तो बेटा आर से आर कैंसिल नाउ इट इज एन स्क्वायर सो पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो बेटा आपको यहाँ से एविडेंस ये मिला कि पैरल कॉम्बिनेशन में पावर की कंजप्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन सो देर इज मोर कंजप्शन ऑफ पावर इन पैरल कॉम्बिनेशन एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन तो पैरल कॉम्बिनेशन में पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्ब नो बेटा पॉइंट नंबर सेवन पे हम आ चुके हैं नाउ पॉइंट नंबर सेवन क्या है हमारे लिए नाउ पॉइंट नंबर सेवन अब हम चेक करेंगे कि अगर किसी डिवाइस की हमें स्पेसिफाइड वोल्टेज गिवन है जिस पे वो काम करेगा तो उस स्पेसिफाइड वोल्टेज पे अगर हमें उसकी पावर कंजप्शन भी गिवन है कि इतनी पावर वो कंज्यूम करेगा इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वोल्टेज पे तो क्या हम उसकी पावर कंजप्शन को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो बेटा अभी चेक करेंगे पॉइंट नंबर सेवन ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है हमने मार्केट से अभी अभी परचेज किया उसको तो बेटा उस पर क्या लिखा उस पर लिखा हुआ है टू थाउजेंड वॉट और टू ट्वेंटी वोल्ट तो बेटा ये टू ट्वेंटी है उसकी स्पेसिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और ये टू ट्वेंटी वोल्ट उसकी स्पेसिफाइड वोल्टेज है और ये जो टू थाउजेंड वॉट है ये उसकी स्पेसिफाइड पावर है ये उसकी स्पेसिफाइड पावर है तो बेटा अगर मैंने रिवर्स में बोल दिया सो चेक कर लेना तो 2000 थाउजेंड वॉट इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की स्पेसिफाइड पावर है और ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस किस पे काम करता है इस पावर के लिए दैट इज 220 वोल्ट पे तो बेटा इस रेटिंग का मीनिंग क्या है कि इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को जब भी 220 वोल्ट मिलेगा तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा दैट इज 2000 वॉट तो बेटा ये पावर कंजप्शन आपकी किस वोल्टेज पे गिवन है ये 220 वोल्ट पे गिवन है तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इन दोनों रेटिंग को फुलफ़िल करेगा तो उस केस में 220 ट्वेंटी वोल्ट पे उसके अंदर पावर कंजप्शन आपकी कितनी होगी दैट इज़ 2000 थाउजेंड 2000 टू थाउजेंड ठीक है अगर आपकी वोल्टेज अगर आपकी वोल्टेज एक्चुअल में मोर देन 220 ट्वेंटी आती है तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आपका डैमेज हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आपका डैमेज हो जाएगा क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम स्पेसिफाइड वोल्टेज है वो टू ट्वेंटी और अगर आप इसको दोगे मोर देन 220 वोल्ट तो बेटा इसका जो जो सर्किट होगा इसके अंदर स्पेयर पार्ट होंगे वो सारे आपके खराब हो जाएंगे वो बंद हो जाएंगे और ये डिवाइस आपका काम करने लायक नहीं रहेगा ये डिवाइस आपका वर्किंग में नहीं रहेगा ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आपका खराब हो जाएगा बट अगर एक्चुअल वोल्टेज आपके लेस देन 220 ट्वेंटी होगी और अब भी यह वर्किंग मोड में है और अब भी यह वर्क कर रहा है और अब भी यह वर्किंग स्टेज में है और अभी भी अगर यह वर्किंग स्टेज में है तो बेटा इसका मीनिंग क्या इसके है इसके अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं इसके अंदर जितने भी सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं वो सारे सर्किट एलिमेंट टू ट्वेंटी से कम पे भी काम कर सकते हैं तो वो सारे सर्किट एलिमेंट टू ट्वेंटी से कम पर भी काम कर सकते हैं इसका मीनिंग ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है इसके अंदर आपको एक फैसिलिटी ये मिली है कि अगर आपके घर में वोल्टेज 220 से कम आ रही है तो ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आपका बंद नहीं होगा ये वर्किंग में ही रहेगा और आपको ये आउटपुट देता रहेगा और इसके अंदर जो पावर कंज्यूम होगी वो आपकी 2000 थाउजेंड वॉट से कम होगी क्योंकि आपको मालूम है 2000 थाउजेंड वॉट आपकी कब कंज्यूम होगी जब आपको वोल्टेज यहां कितनी देनी पड़ेगी टू वोल्ट टू वोल्ट तो बेटा आप चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस का फार्मूला क्या है दजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्केयर एस अपॉन पी एस वी स्केयर एस अपॉन पी एस तो बेटा इसी टाइप से एक्चुअल पावर का बोलो फार्मूला क्या बनेगा एक्चुअल पावर इज इक्वल टू एक्चुअल वोल्टेज अप्लाइड का स्क्र आएगा अपॉन रेजिस्टेंस आर आ जाएगा तो बेटा यहां से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा स्क्वायर ऑफ एक्चुअल वोल्टेज अपॉन एक्चुअल पावर कंज्यूम इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करेंगे तो बेटा क्या आंसर आएगा नाउ वी ए स्क्वायर अपॉन पी ए इक्वल टू वी स्क्वायर एस अपॉन पी एस तो बेटा चेक करो अब यहां पर हमें एक्चुअल पावर कंजप्शन फाइंड आउट करनी है तो क्या आंसर आएगा वी ए अपॉन वी एस होल स्केयर इन टू पी एस इन पी एस तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि वी ए अपॉन वी एस आएगा इसका होल स्केयर आएगा इन पी एस अब आप चेक करो कि अगर वी ए एक्चुअल वोल्टेज अप्लाइड अगर एस से कम है एक्चुअल वोल्टेज अप्लाइड अगर वी एस से कम है तो इसका मीनिंग क्या है बेटा कि आपकी जो एक्चुअल पावर कंजप्शन है वो स्पेसिफाइड पावर कंजप्शन से कम होगी जो एक्चुअल पावर की कंजप्शन है वो कंजप्शन आपकी जो पावर आपकी डिवाइस पे मेंशन है जो पावर आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस पे मेंशन है उससे कम होगी इसका मीनिंग जिस रेटिंग का डिवाइस आपके पास है उस रेटिंग से कम पावर आपकी अप्लाइंस में कंज्यूम होगी और कम पावर अगर कंज्यूम होगी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा यूनिट भी कम आपकी यूज होगी तो इसका मीनिंग आपके लिए आपके लिए यहां पर आपके लिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा तो बेटा जो डिवाइस इस फॉर्मेट में काम करेगा वो डिवाइस बेटा फाइव स्टार डिवाइस होगा उसको हम फाइव स्टार देंगे तो बेटा जैसे ए सी आपके थ्री स्टार होते हैं ए सी फोर स्टार भी होते हैं ए सी आपके फाइव स्टार भी होते हैं तो बेटा स्टार रेटिंग कैसे मिलती है स्टार रेटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है बेटा तो स्टार रेटिंग का क्राइटेरिया बेटा यही होता है कि अगर पावर कंजप्शन आपकी कम होगी ए के अंदर तो ए इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कम यूज करेगा ए इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम पे करना पड़ेगा तो बेटा अब यहाँ पर आपका एविडेंस मिल रहा है कि अगर फाइव स्टार एसी, अगर फाइव स्टार एसी आपका लेस वोल्टेज पे काम करेगा तो उसके अंदर लेस पावर कंज्यूम होगी तो अगर लेस पावर कंज्यूम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा तो आपके सामने है कॉन्सेप्ट तो आपको कॉन्सेप्ट को चेक करना है और मालूम करना है किस इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट मेंशन किया है और किन कंडीशंस में हमें यह कॉन्सेप्ट मिला है तो कंडीशन आपको प्रॉपर वे से चेक करनी है कि किन कंडीशंस में हमें ये कॉन्सेप्ट मिला है तो बेटा आप अगला पॉइंट बोलो नंबर क्या है अगला नंबर नंबर एट नंबर एट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब आपका इलेक्ट्रिक बल्ब अगर फ्यूज़ होता है तो फ्यूज़ होने के लिए उसके अंदर कंडीशंस क्या बनती हैं उसके अंदर कंडीशंस क्या बनती हैं तो अभी चेक करते हैं कि कोई भी सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज कैसे होता है कोई भी सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज कैसे होता है बेटा अभी चेक करते हैं तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेस पे स्टार रेटिंग का क्राइटेरिया क्या रखते हैं तो बेटा क्राइटेरिया आपके सामने है कि अगर पावर कंजप्शन आपकी स्पेसिफाइड पावर से कम होगी तो इसका मीनिंग वो डिवाइस आपका फाइव स्टार डिवाइस है वो डिवाइस आपका मैक्सिमम स्टार कैरी करेगा और वो डिवाइस आपके घर के लिए आइडियल होगा बेटा उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी मार्केट में उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी क्यों उसके अंदर ऐसे ऐसे सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं ऐसे आइडियल सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं ऐसे स्पेशल सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं जो आपके लेस वोल्टेज पे काम कर सकते हैं तो बेटा अब अगला पॉइंट है कि बल्ब फ्यूज कैसे होता है तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच एकदम से ऑन करते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच एकदम से जब ऑन करेंगे तो बेटा करंट आपका जीरो से मैक्सिमम की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा जब करंट जीरो से मैक्सिमम की तरफ मूव करेगा दौड़ेगा जीरो टू मैक्सिमम की तरफ तो बेटा करंट एकदम से चेंज होगा तो करंट आपका मोमेंट्री टाइम में चेंज होगा करंट कितने टाइम में चेंज होगा करंट आपका टेन पावर माइनस नाइन सेकेंड में चेंज होगा तो टेन पावर माइनस नाइन सेकेंड में करंट आपका जीरो से मैक्सिमम पे जाएगा तो so बेटा इस मोमेंट्री टाइम में जब करंट आपका एकदम से बल्ब के फिलामेंट में इंक्रीज होगा तो बेटा एकदम से टेम्परेचर राइज होगा टेम्परेचर राइज होगा तो हीट एनर्जी डेवलप होगी तो बेटा हीट एनर्जी डेवलप होगी तो इसका मीनि रेजिस्टेंस मटेरियल का रेजिस्टेंस फिलामेंट का इंक्रीज होगा तो बेटा जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो एकदम से करंट मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करना चाहेगा तो करंट जैसे जीरो से मैक्सिमम तरफ दागेगा तो उसी टाइम पे टेम्परेचर फिलामेंट का इंक्रीज होगा जिससे रजिस्टेंस इंक्रीज होगा और हीट एनर्जी आपकी ज्यादा डेवलप होगी तो जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग में मोमेंट्री टाइम के लिए बल्ब आपका ज्यादा ब्राइटनेस हमें देगा तो स्टार्टिंग में जब बल्ब ग्लो करेगा तो वो हाई ब्राइटनेस कैरी करेगा तो ये बेटा बिल्कुल लिख लो माइंड में सेट कर लो जब भी हम किसी बल्ब के स्विच को ऑन करेंगे तो जैसे बल्ब एकदम से ग्लो करेगा तो उसकी ब्राइटनेस हमें ज्यादा मिलेगी लेकिन विद इन 10 पावर -9 सेकंड्स में स्टडी स्टेट आ जाएगी करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और ब्राइटनेस आपकी हल्की से कम हो जाएगी ब्राइटनेस बल्ब की हल्की से कम हो जाएगी तो जैसे करंट कांस्टेंट वैल्यू कैरी करना स्टार्ट करेगा तो उसके बाद उसके बाद आपका जो ब्राइटनेस होगा बल्ब का वो पहले से थोड़ा कम हो जाएगा तो इसका मीनिंग जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बल्ब को ऑन किया तो स्टार्टिंग में बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस शो क्यों करता है तो उसका रीजन ये है कि टेम्परेचर एकदम से राइज होता है रेजिस्टेंस एकदम से राइज होता है तो हीट एनर्जी ज़्यादा डेवलप होगी तो स्टार्टिंग में एकदम से ब्राइटनेस आपको ज़्यादा मिलेगी और फिर उसके बाद क्या होगा जैसे करंट आपका कॉन्स्टेंट वैल्यूटेन कर लेगा जैसे करंट की स्टडी स्टेट आ जाएगी तो बेटा उस केस में उस केस में फिर ब्राइटनेस आपकी पहले से कम हो जाएगी तो बेटा अगला पॉइंट कि बल्ब फ्यूज कैसे होता है तो बेटा जैसे बल्ब आपका रेगुलर यूज में आएगा तो जो उसका फिलामेंट होगा जब वो रेगुलर यूज में आएगा रेगुलर वो हीट एनर्जी कैरी करेगा तो बेटा वो पहले से थिन होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो इतना थिन हो जाएगा वो मेल्ट हो गए ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा तो जैसे फिलामेंट ब्रेक होगा उसे टाइम पे बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा तो बेटा रेगुलर यूज में आने से क्या होगा कि धीरे धीरे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा और जो फिलामेंट है जो फिलामेंट है वो थिन होता जाएगा थिन होने से क्या होगा थिन होने से उसकी जो <coughs> उसकी जो टेंसाइल पावर है वो कम हो जाएगी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और फिर वो लास्ट में मेल्ट होके बल्ब को फ्यूज कर देगा बल्ब को फ्यूज कर देगा तो बेटा कई बार ये होता है कि हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं और ऑन करते ही उसी मोमेंट्री टाइम में बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बेटा उस केस में कंडीशन क्या आएगी कि हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं और उसी मोमेंट्री टाइम में बल्ब उसी टाइम पे ही फ्यूज हो जाता है तो बेटा उस केस में क्या होगा और एक कंडीशन और मिलती हमें कि जो बल्ब होता है उस बल्ब के ऊपर जो ग्लास का कवर होता है जो ग्लास की वॉल होती है वो अंदर की साइड से ब्लैक हो जाती है वो अंदर की साइड से ब्लैक हो जाती है और ब्लैक होने के बाद बल्ब आपका फ्यूज हो जाता है तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं स्विच को ऑन करते ही उसी मोमेंट्री टाइम में जो ग्लास की वॉल है उसका जो अंदर का सरफेस है वो ब्लैक हो जाता है और बल्ब फ्यूज हो जाता है बेटा इसका मीनिंग क्या है कि जो फिलामेंट है जो फिलामेंट है वो मेटल का होता है और मेटल भी कौन सा होता है टंगस्टन है तो इसको प्रॉपर वे से लिख दो बेटा ये टेंथ क्लास में भी था तो बेटा अब जैसे आप स्विच को ऑन करोगे मेटलिक वायर में टेम्परेचर राइज होगा रेजिस्टेंस राइज होगा तो बेटा यहां से मेटल आपका इस फिलामेंट में से मेटल आपका इवेपोरेट हो जाएगा और वो ग्लास का जो सरफेस है जो ग्लास का इनर सरफेस है यहां वो डिपॉजिट हो जाएगा यहां वो डिपोजिट हो जाएगा तो अब इस फिलामेंट के ऊपर से मेटल आपका इवेपोरेट होगा और इस ग्लास का जो इनर सरफेस है जो जो ग्लास की वॉल है, है, इसका सरफेस वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा और मेटल अगर यहां से इवेपोरेट होगा तो ये जो फिलामेंट है ये थिन हो जाएगा और थिन होके ये मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा और बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना जैसे स्विच को ऑन करोगे स्विच को ऑन करोगे तो एकदम से इसके अंदर राइज होगा राइज होने से इस फिलामेंट का जो मेटल है वो यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और ग्लास कि जो वॉल है उसका जो अंदर वाला सरफेस है वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा और ये सरफेस आपका ब्लैक हो जाएगा और फिर उसके बाद ये जो फिलामेंट है ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देगा और ये मेल्ट होके बल्ब को फ्यूज कर देगा ये मेल्ट होके बल्ब को फ्यूज कर देगा तो बेटा इस टाइप से इस टाइप से ये बल्ब आपका सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब आपका नॉर्मल लाइफ में डेली लाइफ में आपका फ्यूज होता है रहता है और यही इसका रीजन है कि हमने अलग अलग कंडीशंस आपको बताई फ्यूज होने की एक तो लॉन्ग यूज के बाद फ्यूज होता है और कई बार हम स्विच ऑन करते हैं तो उसी टाइम पे ही फ्यूज हो जाता है और अंदर का सरफेस जो वॉल का अंदर का सरफेस है जो ग्लास वॉल है उसका जो अंदर का सरफेस है वो ब्लैक हो जाता है तो बेटा कंडीशन यही थी जो मैंने अभी आपको बताई है तो बेटा अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर नाइन अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर नाइन पॉइंट नंबर नाइन ये है बेटा पॉइंट नंबर नाइन ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसके पैरेलल में हमारे पास एक हैवी मशीन है उसके पैरेलल में हमारे पास एक हैवी मशीन है हैवी मशीन है यह हमारे पास एसी सोर्स है यहाँ हमारे पास एसी सोर्स है और ये स्विच है बल्ब का और यहाँ ये स्विच है मशीन का ये हैवी मशीन है ये सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब है ये सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब है ये स्विच नंबर वन ये स्विच नंबर टू तो बल्ब बेटा भी ग्लो कर रहा है चेक कर सकते हो एस वन क्लोज है और एस टू अभी ओपन है तो आप चेक कर सकते हो बल्ब ग्लो कर रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है और जो हैवी मशीन है अभी वो ओपन सर्किट में है अभी वो ओपन सर्किट में है तो बेटा अब आप आपको दो यहाँ पर एलिमेंट मिले हैं एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है और एक हैवी मशीन है अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बनेगा चेक करते हैं यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा तो जैसे ही हम हैवी मशीन का स्विच क्लोज करेंगे जिस टाइम पे हम हैवी मशीन का स्विच क्लोज करेंगे तो बेटा क्लोज होते ही उसी मोमेंट्री टाइम पे बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी अब ये लेस ब्राइटनेस शो करेगा तो इसका मीनिंग जैसे ही आप हैवी मशीन का स्विच ऑन करोगे तो ये बल्ब अपनी ब्राइटनेस लूज कर देगा तो इसका मीनिंग जिस मोमेंट्री टाइम में आप इस स्विच को क्लोज करोगे उसी टाइम पे उसी मोमेंट पे एकदम से बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी बेटा इसका रीजन ये है कि हैवी मशीन जो है, हैवी मशीन यहां से ज्यादा करंट विड्रॉ करेगी जो हमारा सोर्स है इस सोर्स में से जब करंट ज्यादा इसके अंदर जाएगा तो बेटा यहाँ करंट की कमी हो जाएगी जब बल्ब के अंदर करंट कम आएगा तो बल्ब के अंदर हीट एनर्जी कम बनेगी जब हीट एनर्जी कम बनेगी तो यहाँ पर बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी इसका मीनिंग आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी दो डिवाइस पैरल में होंगे और एक आपका लाइटर डिवाइस होगा और एक आपका हैवी डिवाइस होगा तो जब हैवी डिवाइस का स्विच ऑन होगा तो उस मोमेंट पे जो आपका लाइटर डिवाइस होगा वो आपका कम ब्राइटनेस शो करेगा ड्यू टू मोर स्ट्रेचिंग ऑफ करंट फ्रॉम सोर्स तो बेटा हैवी मशीन ज्यादा करंट को स्ट्रेच करेगी सोर्स में से तो यहाँ पर इस इस डिवाइस के अंदर इस हैवी मशीन के अंदर करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो यहां पर करंट की कमी हो जाएगी और यहां पर बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो बेटा ये रीजन ध्यान रखना कि आपके घरों में जब भी कोई हैवी डिवाइस ऑन होगा और उसी मोमेंट पे कोई बल्ब अगर पहले से ही ऑन है तो बल्ब की ब्राइटनेस चेक करना बल्ब की ब्राइटनेस बल्ब की ब्राइटनेस एकदम से कम हो जाएगी एकदम से बल्ब डिम हो जाएगा तो वो रीजन बेटा यही है वो रीजन बेटा यही है तो ये आपको